उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के नगर निगम वार्ड 52 से मजबूत दावेदारी भर रहे पार्षद प्रत्याशी एडवोकेट मुख्तियार हुसैन सैफी ने अपने वार्ड के सभी लोगों से अपील की है कि सभी लोग मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक निष्पक्ष ईमानदार पार्षद का चयन करें। उन्होंने सभी से अपील की कि आपका एक वोट आपके पूरे 5 साल का भविष्य तय करता है। कहा कि पार्षद बना तो अपने वार्ड में साफ सफाई आदि का प्रमुख ध्यान रखूंगा और वार्ड में जो भी संभव विकास कार्य होंगे वे जल्द से जल्द कराऊंगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग उनको भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। हम वार्ड की सफाई व्यवस्था को लेकर, सड़कें टूटी हुई उसे लेकर, और आज 5 साल हो गए पार्षद का चुनाव हो गया। मुश्किल से मैं समझता हूँ 5 साल के अंदर 2 बार मच्छर की दवाई का जो छिड़काव हुआ होगा। और यहाँ पर शिक्षा के मामले में मात्र एक स्कूल है, उसमें भी 2 शिक्षक मात्र आते हैं। सब संध्या तक हमारे पार्षद ने ये कोई आगे के लिए सिफारिश नहीं करी, ये आगे के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा कि टीचरों की जरूरत है या स्कूल की बिल्डिंग की बनने की जरूरत है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जो लाइटिंग व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल बंद पड़ी है, खम्भों पर कोई लाइट नहीं कहीं लगी हुई है, तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं जो जनता के बीच में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको अगर वोट देंगे वार्ड 52 के लोग तो कुछ बदलाव होगा? इंशाल्लाह बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो पिछला टाइम आप लोगों ने देखा, सारी परेशानियाँ झेली, उन परेशानियों से अगर निजात पाना है तो मुझे वोट करें, झाड़ू के निशान पर मोहर लगा। कैसा समर्थन मिल रहा आपको? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला, बहुत प्यार मिला। ठीक।